नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जिला बहराइच से बड़ी खबर, सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में संगठन के विस्तार के साथ साथ गरीबों की आवाज उठाने पर हुई चर्चा। नवाबगंज बहराइच विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत सिसैया चौराहे पर पत्रकार भुवन भास्कर वर्मा की आवाज पर सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एस के मध्येशिया की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एस के मध्येशिया ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है और पत्रकारों को सदैव राष्ट्र समाज के हित में कार्य करना चाहिए। क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में 13 स्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। बॉर्डर क्षेत्र में काफी पात्र लोग हैं जिन्हें अभी तक सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने सभी पत्रकारों से आह्वान किया कि गरीबों की समस्या को सुने और सरकार तक पहुँचाए। विगत कई वर्षों से संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन की नवाबगंज में हुई इस बैठक में रुद्र प्रताप मिश्रा प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में हमेशा एकता होनी चाहिए और एकता का नाम ही संगठन है। अध्यक्ष जी, आज संगठन की यहाँ पर मीटिंग हुई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस आज की बैठक का उद्देश्य हमने इसलिए बनाया था गांव में कि गांव में अभी त्रिस्तरीय जो है पंचायत चुनाव होने जा रही है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव की विशेषकर समस्याएं क्या हैं और पत्रकारों का क्या कर्तव्य है, इस पर हमने प्रकाश डाला और अपने पत्रकार साथियों को मैंने एक निर्देश दिया कि हर गांव में जाकर के ग्रामीणों की समस्याओं को आप जो प्राथमिकता से प्रकाशित करें और उसी के प्रकाशन से ही जो है यह होने वाला चुनाव पर असर डालेगा। यह क्योंकि बहुत से सरकारी सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँचा। हम पत्रकार साथियों का कर्तव्य है कि उसको उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए हमारा जो है कर्तव्य बनता है कि उनको हम जागरूकता पैदा करें और उनके अधिकार को उन तक पहुंचावें। इसलिए आज की बैठक की गई, साथ में हमारे पत्रकार भाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया किन किन बिंदुओं पर जो है कार्य आज किया जाए चुनाव के मद्देनजर। धन्यवाद। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जमील अहमद अंसारी, जुनेद अहमद अंसारी, रावेंद्र शर्मा, भुवन भास्कर वर्मा, धीरेंद्र शर्मा, मोहम्मद अकील, इसरार अहमद, श्याम जी मिश्रा, कमालुद्दीन मल्लिक, भुवन भास्कर वर्मा, मनीष चंद्रा आर्या, अशोक पाठक, आमिर अहमद, राजकुमार सहित कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे। देवीपाटन मंडल ब्यूरो अशोक कुमार यादव की खास रिपोर्ट।